वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस की। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि आई हैव 300 रोज इन द शीट, आई हैव टू कॉपी वन रो एट ए टाइम इन द वन शीट टिल 300 शीट्स। मतलब कि इनके पास 300 रो का डेटा है और उनको अलग अलग शीट में 300 शीटें बनानी है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ कि मैं एक मेरे पास ये है एक डेटा लेता हूँ सिंपल सा, 300 शीट्स नहीं, हम यहाँ 50 शीट लेके चलते हैं या 300 शीट भी लेके चलते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मैं 50 समझ लेके चलता हूँ। अगर 50 होगा तो 300 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास डेटा है और यहाँ पे मेरे नंबर्स हैं, राइट, और मुझे इसी नंबर से सीट चाहिए। तो मुझे कैसा चाहिए, मैनुअली मैं दिखाता हूँ। मैं एक सीट ऐड करूँ, इसका नाम दूँ वन, फिर इसकी वन का पहले हेडिंग लेके जाऊँ, मैं जो हेडिंग है पहले हेडिंग लेके पेस्ट करूँ, फिर उसके बाद जो है हमारा वन है इस वन को लेके कॉपी करूँ और इस वन के नीचे पेस्ट करूँ, ठीक है। Okay. मैं दूसरा नंबर शीट जनरेट करूंगा टू, फिर यहाँ आऊंगा और पहले हम हेडिंग को कॉपी करेंगे और फिर हम यहाँ दूसरे नंबर शीट को कॉपी करेंगे। ये तो हो गए मैनुअल, इसको हमने मैनुअल किया, राइट। लेकिन इसी चीज को मुझे ऑटोमेट करना है कि मैं इसको ये चीज ऑटोमेटिकली क्लिक के ऊपर कुछ सेकेंड्स में, क्योंकि तो इसको करने में 300 या 3000 शीट काफी टाइम लगेगा। सो आई वॉन्ट टू जस्ट इन द क्लिक। चंद्रशेखर जी, प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बीवीए प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ी रूल ये होता है कि प्रॉब्लम को समझना, कि प्रॉब्लम क्या है आपके। तो पहली जो स्टेप हम फॉलो कर लिए, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, राइट। अब चलिए हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में आते हैं और एक मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंसर्ट कर, एक मिनट, एक डेटा खुला हुआ है फाइल में, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ हम शीट 6 में इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं कॉपी डेटा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो हमने दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया, हमने माइक्रो डिक्लेयर। मैं यहाँ पे मैनुअल कॉपी करता हूँ, क्या करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शीट ऐड करना है। तो शीट्स डॉट ऐड और उसका नेम होना चाहिए वन। तो मैं एक साथ यहाँ नेम भी दे सकता हूँ कि नेम इक्वल टू वन। फिर वापस मैं डेटा शीट पे आ, क्योंकि जब शीट यहाँ इंसर्ट होगा और इसका नाम वन हो जाएगा तो अभी मैं कहाँ रहूँगा, यहाँ पर। तो फिर वापस डेटा शीट में आना है हमें और फिर यहाँ हमें तो डेटा शीट पे आने का कोड क्या होगा, सीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट। तो हम यहाँ डेटा शीट पे आ गए, फिर मैं A1 से लेके Q1 तक को कॉपी सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा सेलेक्ट करके। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज A1 से Q1 डॉट कॉपी, हम सिलेक्शन किए बगैर डायरेक्ट कॉपी कर देते, हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा कॉपी हो गया। लेकिन मुझे पेस्ट करना है वन वाले शीट पे, तो फिर वापस वन वाले शीट पे जाएंगे। तो डेटा शीट पे आने का कोड ये था, तो वन शीट पे जाने का भी कोड सेम होगा, बस इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा में जो सीक्वेंस नंबर है उसको डाल दें डॉट सेलेक्ट। उसके बाद हमें पेस्ट कहाँ करना है, A1 पे करना। तो यहाँ पे रेंज A1 डॉट स्लैब, क्योंकि पेस्ट जो है वो रेंज का पार्ट नहीं, वो शीट्स का शीट का पार्ट है। यहाँ पे हम कर देते हैं एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, फिर आई नहीं होगा इसमें, ओके। लेकिन यहाँ पे दो कॉलन है, हम पेस्ट पेस्ट जो है वो मेंबर है एक्सीड्स का, लेकिन पेस्ट स्पेशल मेंबर है
रेंज का। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि डॉट पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट ऑल या पेस्ट वैल्यू जो करना चाहे कर लीजिए, तो इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने अपना हेडिंग पेस्ट कर दिया। अब फिर वापस आना है मुझे यहां A2 से लेके Q2 को सिलेक्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए। फिर वापस हम आएंगे रेंज A2 से लेके Q2 डॉट कॉपी, और फिर वापस Sheet 1 पे जाएंगे, शीट इन्वर्टेड कॉमा में 1 डॉट सेलेक्ट, और फिर हम जो कोड ए है इसी कोड को लेंगे, बस A1 की जगह पे A2 कर दें। तो ये क्या होगा, इसको कॉपी करेगा, इसमें पेस्ट कर दें, राइट। एक काम हो गया, फिर इसी चीज को रिपीट करेगा, लेकिन ये अभी डायनेमिक नहीं है। इसको डायनेमिक करना, मतलब मुझे इसको 50 टाइम्स रन करना है इस कोड को। कितना टाइम रन करना है, क्योंकि एक बार में एक ही सीट जनरेट कर रहा है, लेकिन हमें 50 सीट चाहिए, तो 50 इसी कोड को मुझे 50 बार रिपीट करना है। तो अगर आप मैनुअल है तो आप इसको इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं कि 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और बाकी जहाँ जहाँ 1 वहाँ 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से 50 बार करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और डायनेमिक भी नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास होता है लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 50, और कहाँ तक चले, तो नेक्स्ट आई यहाँ तक चले। तो अब क्या होगा कि इस कोड को 50 बार 50 टाइम्स रन करेगा, ओके, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स रन करेगा। अब मुझे इस कोड को डायनेमिक करना है, तो ये आई, आई क्या है, आई एक काउंटर है, वो अपने अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप को रिकॉर्ड करता है, तो इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आई दे दिया, डेटा A1 से AQ सही है, फिर यहाँ जो होगा वो आई होगा, 1 के जगह पे आई डॉट सेलेक्ट A1 डॉट। अब यहाँ जो देख रहे हैं आप A2 से Q2, इसको ऑटोमेट करना, हमने इसको N% i+1 कर दिया। i+1 क्यों किया, क्योंकि 1 मतलब A होगा, लेकिन मुझे लेना तो A है, एक हमेशा बढ़ता रहेगा रो, और सेम यहां पे हम कॉमा देते हैं और 2 को हटाते हैं और इसको N% i+1 कर देते हैं, और यहां भी हमारा i हो जाएगा। अब मेरा परफेक्टली रन करेगा। तो यहाँ पे हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, हम आपको 1 by 1 रन करके दिखाते हैं कोड कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए यहाँ डिबग के अंदर स्टेप इन्फो होता है, एफेट, ध्यान से देखिएगा चंद्रशेखर जी। तो यहाँ पे एफेट प्रेस किया तो आई, अब देखिए क्या है कि आई का मान कितना है, 1 है, यहाँ देखिए i=1। तो seed.add.name एक सीट ऐड करेगा, उसका नाम रखेगा क्या, 1। तो आप डेटा पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप डेटा पे इसका फर्क आराम से देख पाएंगे। तो सीट ऐड हो गया और उसका नाम हो गया, फिर वापस डेट, अब इसमें प्रॉब्लम है, सीट्स डेटा इट्स माय मिस्टेक, डेटा के जगह पे डाढ़ा लिख दिया था। अब देखिए ये अच्छा से परफॉर्म करेगा, ये देखिए डेटा पे आ गया, A1 से AQ को कॉपी किया, फिर सीट आई, अब आई क्या है, 1 है, तो पहले मैं सीट पे गया, A1 पे पेस्ट कर दिया, फिर वापस
यहां पे गड़बड़ है, यहां पे डेटा होना चाहिए। वापस डेटा में गया, एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक लग रहा है कहीं पे। ठीक है, मैं शुरू से करता हूं। सर ये जो आपने एल्गोरिथम के हिसाब से जो बता रहे थे कि हमारा सीट सिलेक्शन करने के बाद जो आखिरी लास्ट रेंज, मैं आपकी बात सुनता हूँ, एक मिनट इस कोड को देख लेते हैं, वापस एक बार देखते हैं। यहाँ पे वन हुआ, सीट को ऐड कर दिया, फिर वापस डेटा सीट में गया, ए वन से ए क्यू कॉपी किया, सीट आई में आया, इसने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ एक स्टेप छूट गया, ये लाइनिंग जो ए जो लाइन है यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो होगा वो सीट आई सही था, एक लाइन मिसिंग थी हमारी, यहाँ वापस सीट में आएगा। अब इसे इसने पेस्ट कर दिया, या देखिए यहाँ पेस्ट कर दिया, तो वापस डेटा सीट में आएगा ताकि वो ए टू की डेटा कॉपी कर सके ना। डेटा कॉपी किया, फिर वापस सीट वन में जाएगा और फिर ए टू पे पेस्ट कर देगा। एक स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आप देखिए, आई जो है अपना वैल्यू चेंज कर दिया, टू हो गया, क्योंकि दूसरी बार चल रहा है इसलिए टू हो गया। अब इस सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा, लेकिन इस बार जो है टू नाम का सीट बनाएगा, क्योंकि फिर डेटा पे आएगा, फिर कॉपी करेगा, फिर टू नाम की सीट पे जाएगा, एक मिनट, टू पे क्यों नहीं गया, नाम का सीट कर दिया। ओ ओ ओ ओ सीक्वेंस नंबर ले रहा है, सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। विश्वेश्वर साहू जी पता था ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर यहाँ पे A1 के जगह नहीं, A ये सब ठीक है, प्रॉब्लम इस लाइन में है, प्रॉब्लम इस लाइन में, प्रॉब्लम जो इस लाइन में, तो क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग तरीके समझाता हूँ। आप किसी सीट पे अगर आपको जाना है तो उसके जो तरीके होते हैं वो इस तरह के तरीके होते हैं कि शीट्स, और शीट्स में आप उसका नाम दे दीजिए कि डेटा डॉट सिलेक्ट, इतना तरीका है। अब नाम ना पता हो तो उसके लिए हम लिखते हैं शीट्स, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर कि पहले नंबर पे जाओ। तो ये सीट वन जो हुआ ये हमारा पहला पोजीशन हुआ, ये पहले शीट पे नंबर के हिसाब से। अब जैसे टू है तो वन मतलब कि टू पे आएगा, इसको यहां रख देंगे तो फिर वन पे जाएगा, मतलब कि पोजीशन की सबसे पहला शीट, सबसे पहला शीट। अब यहीं पे हम यहां पे आई दिए कि नाम ले ले, बट नाम ना लेके वो पोजीशन ले रहा है, ये वन इस कोड, इस मेथड को रन ना करके इस मेथड को रन कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हमें नाम को टेस्ट करना होगा, तो हमें के लिए डेटा के साथ हमने आई कर दिया, तो डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री हो जाएगा। तो यहां भी जहां जहां हमने आई लिखा हुआ है वहां वहां हम इसी मेथड का फॉलो करेंगे कि डेटा, और इसके साथ हमने आई ले, तो जहां जहां आई का ऑप्शन है वहां हम ये करेंगे, तब जाके बेनिफिट रहेगा। तो अब जो है सही वर्क करना चाहिए। तो ये दो सीट पहले से बने हुए हैं, इसको डिलीट कर देता हूं, रन करके दिखाता हूं कि सही है नहीं। इफेक्ट किया, आई क्रिएट हो गया डेटा वन, यहां पे आया, कॉपी किया, गया पेस्ट किया,
डेटा को सिलेक्ट किया, वापस डेटा कॉपी किया और डेटा शीट में जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब आई अपना मान चेंज कर लिया तो वापस फिरे, एक नया शीट ऐड हुआ, वापस डेटा में आया, इस बार हेडिंग को कॉपी किया फिर उसने पेस्ट कर दिया, फिर वापस डेटा में गया, अब ए टू को कॉपी कर रहा है, देखिए ए टू नंबर को ए थ्री को कॉपी कर रहा है, तो थ्री हो गया ना ये हमारा आई टू वन प्लस थ्री, फिर वापस डेटा टू में गया और फिर इसको पेस्ट कर दिया। अब अगली बार आई का मान चेंज होकर तीन हो गया, इस तरह से जा रहा है। तो ये मैं इस स्टेप इनको वन एक एक करके रन कर रहा हूँ, लेकिन जब इसको परफॉर्मेंस करनी होगी हमें, जब इसको रन करना होगा तो एक बार में जस्ट इसको और मेरा हो जाएगा। तो काम खत्म हुआ, इसकी एक मैसेज देना जरूरी है, तो एम एस सी बॉक्स का कोड डालने से वर्क इज डन। तो ये क्या होगा, जब वर्क इज डन मतलब सब काम खत्म हो जाएगा तो मैसेज देगा वर्क इज डन। अब देखिए इसको हम रन करते हैं माइक्रोज में रन। ठीक है, वर्क इज डन हो गया। तो कुछ सेकेंड्स लगा इसको और कुछ सेकेंड्स में उसने अपना पूरा काम कर दिया। तो वहां पे लेकिन एक एरर आ रहा था, वो एरर नहीं आ रहा था, वो एरर ये फॉर्मूला लगा है ना इसमें, देखो फॉर्मूला गया ना बी फोर वो डेट का है, डेट का ओके एरर नहीं है। तो हमें इसके लिए कोड में पेस्ट एज वैल्यू करते हैं, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट और यहां पे है ना पेस्ट ऑल ओके इसके जगह पे जस्ट वैल्यू कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो आपको चंद्रशेखर जी समझ में आया कि आखिर हम वीवीए प्रोग्रामिंग करने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, समझ में आया? आप सोचिए कि चार पांच लाइन की कोड हमने लिखा और हमारा घंटों का काम बहुत ही आसान कर दिया, ठीक है सर। लेकिन अगर वहां पे नाम होता नंबर की जगह तो वो हम कैसे करते हैं? तो हर नाम तो लिखना पड़ता है यहाँ पे लूप पे। तो नाम रेफरेंस ले लेते हैं, उसका फिर अलग कोड जनरेट होता। सिंपल इसलिए बताया कि कॉम्प्लिकेटेड ना, मतलब सिंपल बताया, कॉम्प्लिकेटेड ना बताया, ठीक है ना? फिर आगे आगे हम कॉम्प्लिकेटेड भी बताएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग बैठ के कीजिए, कल की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू।